الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى जीवकार उलमाए किराम, अजीज दोस्तों, बुजुर्गो भाइयों, अज दिए अजीम शान सलाना फिक्र आखरत दे इंतहाई अहम उनवान थे मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर इलाका वर्द मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम दोस्त अहबाब बुजुर्ग तशरीफ़ ले आए हो, अल्लाह ताला तुहाडा सब दा आना बैठना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। जिन दोस्त अहबाब ने अज दे इस प्रोग्राम का इंतजाम और अहतमाम फरमाया है, साडे मोहतरम भाई शाह साहब, भाई मुहम्मद मनशा साहेब, भाई जाहिर साहब, भाई रज़ा मुसबा साहब, भट्टी बरादरान, अल्लाह ताला सब दोस्तों की इस मेहनत को अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए और जिस भाई वास्ते प्रोग्राम रखा गया अल्लाह ताला साढ़े बहुत प्यारे दोस्त भाई मुहम्मद साजद रहमतुल्लाह अलैह नू अपनी रहमत नाल मुआफ फरमा के नेक लोगों दी सफा अंदर अल्लाह शामिल फरमाए, मुहब्बत नाल दर कबो आमीन। माशाअल्लाह बड़े शौक नाल बड़ी मुहब्बत नाल तशरीफ फरमाओ। खतीबे पाकिस्तान साढ़े मुअज़्ज़ज़ और खसूसी मेहमान, ओए ओए की तेनू है, उड़ जाओ, तुहानू अगे बिठाया सी, तो चले जाओ तुसीं। पर तैनू ही रौला है सिर्फ, तू तेनू रौ, बाकी सारे ठीक है। बस आई तो मसला बंदे समझते हैं, पता नहीं असं खोरे इन्हों क्यों कहने भी अगर आ जाओ, सानू नहीं साढ़े वालों, तुम मस्जिद बाहर भी चले जाओगे तो असी तो अपना टाइम पूरा ही करना। मुसनत इमाम अहमद बिन अंबल की हदीस है, उलमा मौजूद ने सही सनत नाल, बुखारी अंदर भी वह असर मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगलिया सफा बड़िया बंदियां वास्ते, पिछलियाँ सभा छोटिया बच्चियों वास्ते, इमाम खतीब मुदर्रस से जितना करीब होकर बैठोगे उतनी अल्लाह की रहमत से तुम करीब होवोगे। तो लैण तो असं अल्लाह की रहमत ही आए हैं। लो जी हर जलसे जी हदीस सुनाने मजाल है, जो साढ़े कान से जूं भी रीढ़ दी हो बंदे आते हैं खरे मौलवी एवें आते, दसो भी जिस बंद ने जलसे च बह के हदीस से अमल नहीं करना बहर जाके बंदा की अमल करेगा, कि उस बंद तो तवक्को रखी जा सकती। बच्चों नाल रौनक अपनी जगह पर, लेकिन बच्चे ने शरारत करना उन्हों की तबीयत शामिल, उन्होंने बोलना भी है, गल्लां भी करनियां ने, असीं बच्चों कह कुछ नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि बच्चे रौनक ने, पिछे होणगे खेडी जान नसी भजी जान जो मर्जी करते रहन कोई मसला नहीं। आखिर अगे कुछ मजलस से कोई अदाब क्यों नहीं शेख साहब, कोई मजलस से अदाब भी है कि नहीं है? अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए, बस मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बस अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। बड़ी तवज्जो नाल और बड़ी मुहब्बत नाल एक दो बातें तुसी सुन लो। खतीब पाकिस्तान साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान कारी मुहम्मद यासीन बलोच साहब तशरीफ़ लियाए ने, इंशाल्लाह तशरीफ़ लियाणगे, उन्हां दा मुफस्सिल और खसूसी खिताब होएगा, इंशाल्लाह सारे अहबाब सुनांगे। अल्लाह पाक सुन के समझ के अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो मेरे वाले, तवज्जो मेरे वाले, बड़ी तवज्जो नाल कोई भी होए ना, कोई भी आलमे दीन खतीब आए, खुतबा जुमा होए, आज जिहड़े असीं आने ना ध्यान करो तवज्जो नाल भाई गल सुनो, ये असीं एवें असीं को कमले नहीं हाँ, असीं आने कि मेरे आ जिहड़े भाई तुसीं जट जिमीदार हो, सारे दिन के कम्मां कारां दे थके हो, किड्डा कीमती वक्त कढ के आए हो, इस अपने वक्त नूं कीमती बनाओ, इहनूं ज़ाया ना करो।
कुछ ना कुछ एक जलसे चो एक मसला भी सानी सी जिनी देर दे जलसे सुनन डे हाँ उदों तो लैके हुण तक एक जलसे का एक मसला भी याद किया हुंदा हुण सानू बुखारी जबानी याद होनी सी। बड़ी मादरत नाल गल तुहानू गुस्सा लग्या है, मैनूं पक्की गल है, लेकिन गल हकीकत है। अल्लाह दे बंदो तुसी कीमती लोग हो, फिर सुनो फिर सुनो। मैं बात गलत करा तेनों हक हासिल है, तू उठ के बोल सकना है। जे मैं गल सही करा तो फिर अपने गिरेबान च हथ पा के सोच बंदिया खुदा दिया तू किथे खड़ा है। अल्लाह दे बंदे हो, तुसी किराया ला के आए हो, तुसी टाइम कढ़ के आए हो, घर बार छोड़ के आए हो, सारे दिन दे थके हो, सवेरे जाके काम करना है। जी और रवाज ही रहा भी आए सुने हसे खेडे लाला लाला कीती चले गए। ये जलसे सुनना सुनाना करना कराना इबादत है, इबादत च संजीदगी जरूरी है, तवज्जो जरूरी है। नेकी समझ के आओ, इबादत समझ के आओ, बड़ी मुहब्बत नाल तवज्जो नाल बैठो, खुतबा जुमा ते आओ तां तवज्जो नाल बैठो। इमाम साहब खतीब साहब की मसला बयान कर रहा, फिर उहदे ते गौर फिक्र करके अल्लाह कोल अमल की तौफीक मंगीए। साडी कश्ती उसे किनारे ते क्यों खड़ी है, असीं कदे तवज्जो नाल सुणिया ही नहीं। दो देखो यार, बंदे नूं इत्थे किसी बंदे नूं अगर कोई हाजत पेश हो जाए तो उन्हें उठ के तो जाना ही है ना। वो एक उठ के गया, सत बंदे उहदे मगर वेखण लग पए ने ना। मेरा भाई बड़ी मादरत ना नाराज नहीं होना। उलमा इलाके बार दे सिमा दौरान मौजूद ने, मैं मुहब्बत नाल अर्ज कर रहा, ये जलसे इन्हों इबादत समझो, संजीदगी नाल बैठो, मसले सुनिया करो, समझिया करो। जेडे मसले की जेडे गल की समझ ना आए, कोई एक वक्त हुंदा सी जलसियां तो बाद सवालों जवाब की नशिश्त होया करती सी। हजरत सुल्तान उल मुनाजरीन रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह खिताब फरमाते सन, बाद पुछ हूँ जलसे दे एंड दे आंदे ने जी फलानी सानू शायर सुना दे, फलानी सुना दे। डेढ़ घंटा भी तकरीर कर जो, कभी किसी बंद ने कहा मौली साहब तुम फलाना मसला बयान किया सू समझ नहीं आई, दोबारा दस दे आज। अल्लाह के बंदो कुछ अपने हाल से रहम करो, ये लखा रुपया लगता है, तुसी किराया खर्च के आयो, कुछ सीखो समझो। उत्तों तुम वेखो मेरे वाल देखो, ईमानदारी ना मेरे वाल देखो, मस्जिद बैठे हो झूठ नहीं बोलना, मैं गल सही कर रहा गलत कर रहा। सानू सोचना चाहिए कि नहीं सोचना, कोई सीखना चाहिए कि नहीं। तुम ध्यान मारो की लिखे अनुमान, फिक्र है आखरत, आ आखरत की फिक्र है। कोई वेखन डिया कोई वेखन डिया, कोई टुरा जाता कोई टुरा, जिमें बाले पीर के मेले से आए ना। मेरा भाई नाराज नहीं होना, अगर अल्फाज बुरे ने मैं माजरत चाहना। अल्लाह अमीर साहब मौजूद ने, उलमा मौजूद ने, अपनी मैं अपनी सलाह करा, तुसी अपनी सलाह करो, दीन समझो, फिर उहदे ते अमल करो ताकि अल्लाह साडे ते रहमत फरमाए, अगर ना जाया जा रहा वक्त। हर हाल बात दूर दी दूर चली गई, मैं बड़ी मुहब्बत नाल जो पैगाम अर्ज करना चाहना, कभी गौर कीजिए आखरत दी पौड़ना बयान फरमा रहे सन, बड़ी माफ मैं दसना नहीं, अंदर वल्लाह अज़ीम इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगु कुरान दी आयतां पढ़ के नाल तर्जमा करके फिक्र आखरत दे अनुवान दे कौम बार बैठी है संडे ही से। आ ते हाल है साडा, साडा बनना की है, तवज्जो। मैं मुख्तसर जे वक्त अंदर जिस बात की तरफ इशारा करना चाहना, सिर्फ याद दहाने वास्ते, लंबी बात फिर किसी वक्त मैं कारी साहब से सैकटरी साहब न मादरत की, मैं अल्लाह की तफीक नाल मौलाना खुबैर साहब इस मस्जिद के बानी इमाम खतीब इदारे दे नाजम बड़ी मुहब्बत करते हैं। इन्हों का बेटा छोटा भाई बनया मेरा मुहम्मद भट्टी, अल्लाह ताला की उम्र च बरकत फरमाए। सारी सारी लाद मैं अल्लाह की तफीक नाल स्टेज पर बहन वाला बंदा, कदे नहीं मैं नसया, मैनू जरा मजबूरी जल्दी है, मैं अगे जाना है, इस वास्ते मैं टाइम लिया है, तो मैं शफकत फरमाओ उन्होंने दे दिता है। मैं दो चार बातें करके इंशाल्लाह फिर ये सालाना कॉन्फ्रेंस साडा भाई मुहम्मद करवांदा है, इंशाल्लाह उदों आ जाएंगे फिर लंबी बात करांगे। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु, बस तवज्जो नाल तुसीं बहना है तो मेरे वल देखना है, गल नूं सुनना है, समझदार बंदे वास्ते इशारा ही काफ़ी। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे प्यारे उम्मतियो, मोटे मोटे चार जहान ने, किन्ने हौली जी बोलना रौला नहीं पाना तो सारे बोलना, किन्ने चार जहान। दूसरी बोली अंदर चार आलम ने, आलम नू जहान कहा जाता,
ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਆਲਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਨ। ਜੇ ਜ਼ੇਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਆਲਿਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਮੇ ਦੀਨ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੁਝ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਲਮ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਆਏ। ਆਲਮ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਹਾਨ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਆਲਿਮ। ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਜਲਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਰਜਮੇ 'ਤੇ ਮਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਆਲਿਮ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਆਲਿਮ ਆਇਆ, ਆਲਮ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਆਏ, ਜ਼ਬਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮ ਮਤਲਬ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਚਾਰ ਜਹਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ਬੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਲਮੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਆਲਮੇ ਕਬਰ, ਤਵੱਜੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਲਮੇ ਹਸ਼ਰ, ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੁਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੇਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਵਾਈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਨਾ ਚੌ ਆਲਮਾਂ ਦਾ, ਚੌ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਲਮ ਹੈ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰਮਾ ਕੇ ਨਾਮ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਰਾਨ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੀਨਾਏ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੋ, ਚਾਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਚਾਰ ਜਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਲਮੇ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ, ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਆਲਮੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਲਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਜਹਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਲਾਮਾ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਹਰ ਨੇਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਬਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨੀਏ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਬਲਵਾ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਲਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰੱਬ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਿਆ ਆਏ ਮੋਤੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹਨਸਾ ਅੱਜ ਮੋਤੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਅੱਜ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਘਾਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਮੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਸ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਜਅਲਾ ਲਕੁਮੁਲ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਾ ਤੋ ਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਮੁਕਾਈਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਜਅਲਾ ਲਕੁਮੁਲ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਾ ਵਸਮਾ ਬਿਨਾ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فرمایا اللہ دی ذات و ذاتِ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਜ਼ੀ ਜਅਲਾ ਲਕੁਮੁਲ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਅਲਾ ਲਕੁਮੁਲ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਾਰਾ ਵਸਮਾ ਬਿਨਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸਵਾਰਾ ਕੁਮ ਆਹਸਾਨ ਸੁਵਾਰਾ ਕੁਮ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਆਈਏ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਯੂ ਹਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾ ਖਲਕ ਬਿਰਬ ਕਲ ਕਰੀਮ ਅਲਜ਼ੀ ਖਲਕ ਕਫ ਸਵਾ ਕਵਾਦਾ ਲਕ ਫੀ ਅਯ ਸੂਰਤ ਮਾ ਸ਼ਾ ਰਕਬਕ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸਾਨਾ ਯਾ ਅਯੂ ਹਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾ ਖਲਕ ਬਿਰਬ ਕਲ ਕਰੀਮ ਬੰਦਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੱਲੇ ਆਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਦ ਕਰ ਲਮਨਾ ਬਨੀ ਆਦਮ ਆਦਮ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਈ
अल्लाह किवें दा प्यारा बनाया ही। अल्लाह पाक ने कुराने पाक अंदर मेरे तेरे सोने बनाते तज़किरे फरमाए ने। अल्लाह फरमाते ने मैं बनाया तो सोना बनाया है, ते अल्लाह किंज बनाया ते किवें दा सोना बनाया ही। अल्लाह फरमाते ने सोमा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान फरमाया वाला कद खलकना लगे इंसाना फिर सुलालत में तीन सुम्मा जाल्लाहु फी करार मकीन सुम्मा खलकना नुतफा अलकतन फखलकना अलकत मुज़गतन फखलकना मुज़गत इलामर फकसवना लगलाम लहमा सुम्मा अनशअनाहु खलकना फरमाया बंदे मैं रब ने तेन बनाया है। इधर वेखिया जे गोशत दा जोड़िया किते हड्डियां जोड़िया उन्हां हड्डियां ते मांस दा ले दे के मैं तेनु सोणिया बनाया है, ते सोणा बना के फिर तेनु छड नहीं दिता। मैं तेरे वास्ते रब्बुल आलमीन ने रिज़क दा भी बंदोबस्त कीता है, रज़ा का कुमिनत तैयबा रिज़क भी दिता है, ते मियां पक्की दा रिज़क अता फरमाया है, पक्की दा गंद 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 नहीं दिता, रब ने हराम नहीं दिता, अल्लाह पाक ने हलाल रिज़क अता फरमाया। एक बकरी गाने बंदा गंद मारदा फिरे, एक बकरी गाले इंसान आप गंदियां करके खावे, मगर अल्लाह पाक ने बर्रदा का कुम्मे न तैयबा अल्लाह पाक ने पकीला रिज़क अता फरमाया। मैं अर्ज करना चाहना चार जहान ने उन्हां च पहला जहान आलमे अरवा वाला जिथे मेरिया तेरिया रूहां वादा करके आईया ने। अल्लाह तू साडा रब है, अल्लाह तू साडा दाता है, अल्लाह तू साडा पालने वाला है। असी उस जहान विचों हो के आ गया दुनिया ते जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं लंबिया गल्ला नहीं करना चाहता, गल जल्दी मुकाइए। अल्लाह पाक नाल वादा करके आया, अल्लाह तू साडा रब है, पालने वाला कौन है, रोजियां देने वाला कौन है। मियां एक बारी बोल के दसो रब राजी होएगा सारी कायनात नो पालन वाला कौन है। मजा नहीं आया मेरा उची बोलो, दाता कौन है, पालने वाला कौन है, इंसान ते हैवान ओदा खाके पाल दे, हवा बेच उड़ दे जमीन ते चल दे, और इंसान ते हैवान ओदा खाके पाल दे, हवा बेच उड़ दे जमीन ते चल दे, पानिया दे बेच मखलूक वसदी, बिना हत्थां पैरां मच्छी तेज नसदी। कछू डड्डू मेरे वाल वेख्या है, कछू डड्डू केकड़े भी पैरी नस दे, पानी च ने खेड दे ते पैरी नस दे, गोहा सप साने जमीन लब लई, खुडा च रहैशी तसकीन लब लई, खुडा च कमांदे कितों खांदे पींदे ने, अल्लाह जाने कितना सुखा नाल जींदे ने। सुनो एक होर भी मिसाल सोने मंडी वाले हो, सुनो एक होर भी मिसाल सोने हो, मैं दसा अल्लाह पाक दा कमाल सोने हो। लकड़ा च कौन ते सयोंक पाल दी, दस केड़ी जात उते दाना पानी काल दी, लकड़ा च कौन ते सयोंक पाल दी, दस केड़ी जात उते दाना पानी काल दी। इधर मेरे वाल वेखिया जे, मांस खाने शेर ते रब कौन है, दाता कौन है, ओए मांस खाने शेर ते बघियाड़ फेर दे, बेशुमार बार देने बग छेड़ दे, हाथी रे च बंदरा आवारा वेख लो, किवें हुंदा इन्हां दा गुजारा वेख लो, ओए लूंबड़ा ते सेवा नहीं जे पाइया कोठियां, ओ भी खांदे यारो नित रज रोटियां, पेट विच बच्चिया पेट विच बच्चिया बच्चा हुंदा जे, अख नक कान ओदा बंद हुंदा जे,
पेट विच बचिया बच्चा हुंदा जे अक नक खाने ओदा बंद हुंदा जे ओते भी ए रब ओनु रोजी देंदा जे चली हुई डाके उसदी लिख चुका रब जो बरात उसदी कोई जिते होवे ओते ही खुराक उसदी कोई जिते होवे ओते ही अगे भी सुना दिए कोई जिते होवे ओते ही खुराक उसदी उड़दे आप परिंदिया नु कारी अब्दुल वकील साहब उड़दे आप परिंदिया नु बाद खांदे जे कीड़े ते पतंगे चूचे चूगी जांदे जे चूहे खुडो निकल पै दौड़ लांदे जे विच बिल्ली भी ए बैठी लाई काते उसदी लिख चुका रब जो बराते उसदी कोई जिथे होवे ओथे ही खुराक उसदी पालन वाला कौन है और बोलो देन वाला कौन है वादा करके आया वादा करके आया और अपने वादे ते पक्के रहा जे और अल्लाह दे फजल नाल हजारा गलतियां ने हजारा कमियां ने साडे अंदर मेरे औला बावजूद ने असी हजारा गलतियां करन वाले आ और हजारा गलतियां साडे अंदर मौजूद ने पर मेरे मौला साडे इस अकीदे दा गवाह रही हमेरा होए सवेरा होए सर्दी होए गर्मी होए असी चगामी मंगे आए अरिश वाले आ तेरे दरवाजे तो मंगे आए असी चगामी तुरना खड़काया तेरा खड़काया है क्योंकि साडा ईमान और अकीदा है वे असी तेरे नाल वादा करके आया साडा खालक भी तू है अल्लाह साडा राजक भी तू है साडा खालक भी अल्लाह तू है ते बोलो साडा राजक भी अब बोलो साडा राजक भी होया कीदा तू इदी गवाही दे अंदर हाथ खड़ा करके साडा खालिक कौन है ते गद के बोलो शेरो दाता कौन है दाता सिर्फ अल्लाह है बोलो दाता सिर्फ असी वादा करके आए अल्लाह साडा तू रब है ते इत्थे आके हुण बेईमानियां करदे हो रब दा दरवाजा छड़ के घरां दे दरवाजे आके मां दी पेट तो लेके ते मां दे मह तक मां दी मह तो लेके ते कब्र दी लह तक रब्बे सुल जलाल दी कसम है साडे खाने दा भी अल्लाह मालिक है साडे पीने दा भी अल्लाह मालिक है असी वादा करके आए अपने वादे तो फिरिया दे ना इस कुरान च वादा लिखे असी वादा करके आए हाँ अल्लाह तू साडा रब है सानू दुनिया ते कल असी इस गल ते पक्के हाँ फिर मुंदरिया ते छले ते कड़े ते धागे किस वास्ते जिस बंदे च अकीदा तौहीद नहीं हो लख चंगा होए कोई बंदा चंगा नहीं जिस बंदे दा अकीदा ही तौहीद नहीं सारे दुनिया दे मसले बाद अंदर ने अकीदा तौहीद पहले नंबर ते बस आखरी तीन बातां बातें और भी दूर जा सकती है कुरान दे दलायल मौजूद ने असी वादा करके आए अल्लाह साडा रब तू है आलमे अरवा है आलमे असी आ गए हां आलमे दुनिया ते आ गए हां हुण जिथे रह रहे हां इनू आलमे दुनिया कहा जांदा है ते दुनिया दुनिया ते दुनिया की है आमीना दे लाल फरमांदे ने कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीब फरमाया कायनात दे ओ लोगो दुनिया दी जिंदगी इंज गुजारिया जे इधर मेरे वल ध्यान करिया जे जिवें कोई मुसाफिर बंदा गरीब बंदा गुजारदा है ओनू पता मैं थोड़ी देर इस दरख्त थले आराम करागा फिर मैं उठ के अगला लंबा सफर करागा कौन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब अल्लाह फिर सबीर मुसाफरा दी तरह निया इत्थे पक्के डेरे ना लाया जे ए आलमे दुनिया दुनिया दा जहान कोई 70 साल कोई 60 साल कोई 100 साल कोई 300 साल कोई 900 साल कोई 1750 साल जिन्ने साल भी जिंदगी मिल जाए दिल आखर मियां दुनिया छड़नी है हदीस बुखारी दी आमीना दे लाल फरमांदे ने नबी मूसा दे कोल रब पैगाम लेके आने वाला आया आंदा नबी जी
तैयारी कीजिए, अल्लाह का पैगाम आया। नबी मूसा नु गुस्से आ गए, नबी मूसा ने ओदे मुंह ते चपेड़ मारी, इदरा इदरा ना कट के कली दे रखिया, आना लेके रब दी अदालत अंदर। अल्लाह सोणिया केड़े बंदे दे वल कल्ले आई जिहड़ा मरण दे देर नहीं हो करदा। अल्लाह पर मंडियां दा बाद दे बासियो, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के अर्ज करांगा, चंद मिंट अपनियां तवज्जो दियां सारियां सूरतां मेरे वल करके जरा गल सुनिया जे। मैं गल मकानी जाना, मियां दुनिया 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 ना बणदी बंदे दी, ए बंदा ए जानी दुनिया दा, दुनिया ना बन दी, बस असिया कठे कर लो कमा लो, भरावां दा माल खोई जाओ, औदा खो लो, ओनू फड़ लो, ओनू मार लो। फितनियां दा दौर, हर पासे लड़ाइयां झगड़े कतलो गारत, मेरी ओदे नाल नहीं बनदी, ओदी मेरे नाल नहीं बनदी। जलसे सुनी जाने आ, तकरीरां सुनी जाने आ, नमाज़ां पढ़ी जाने आ, दिल हसन नाल भरे पए ने, दिल बुगस ते कोड़ नाल भरे पए ने। भैन भरा आपस अंदर बोल के राजी नहीं, भरा भरा आपस अंदर बोल के राजी नहीं, कितने जुल्म कीती जा रहे हैं, कितने ज़ियातियां कीती जा रहे हैं, आलमे दुनिया है। नबी पाक ने फरमाया सी, मोमिन बंदा दुनिया दी जिंदगी इंज गुजारे जिवें परिंदा कैद विच, ते मुनाफिक बंदा इंज रहिंदा है दुनिया दे विच जिवें मछली पानी अंदर। असी मोमिन आ, असी दुनिया दी जिंदगी औखियां सौखियां गुजार के आखरत दी असल जिंदगी वल तवज्जो करिए। मियां आखरत दियां जिंदगियां असल जिंदगियां ने। आमीना दे लाल ने अपने सहाबी हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी नूं फरमाया सी, लो मियां तेरा गल ते गौर कर दे लाया जे, आलमे दुनिया, मैं दुनिया दी गल कर रहा जिहड़ी दुनिया अंदर असी रह रहे हां। आका फरमांदे सन अबू हुरैरा, जब वो अबू ज़र जी अल्लाह दे नबी जी फरमाया, जद्दी दी सफीना चला गया, बड़े बड़े उलमा चले गए, पहली मारो खानदना अब्बा जी किधर गए ने, मार खानदना बड़ा भरा किधर गया है, मार का नजरा दादी अम्मा कितने, दादा वो किधर ही किधर गए ने, सारे कबरां दा माल, सारे कबरां दा माल, सारे दुनिया ते आए आरजी जिंदगी लेके, फिर जिंदगी गुजार के मियां अगे चले गए। फरमाया अबू ज़र, दुनिया दी जिंदगी आखरी, अगनिया दी जिंदगी जेड़ी है धोखे दा सवाल, आखरत दियां बाटां लंबियां ने, आखरत दे पैने बड़े डूंगे ने। ओए कायनात दे अलग कितने नजरा बजदियां ने, ते अंबिया नजर नहीं आंदे, कितने सुलाहा नजर नहीं आंदे, कितने शहादा सालहीन नजर नहीं आंदे, कितने साडे वड्डे बुजुर्ग नजर नहीं आंदे, कितने अजीज़ो अकारब नजर नहीं आंदे। दुनिया दुनिया की है, बुखारी दी रवायती आमीना दे लाल फरमांदे सन, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत दे लोगों दी 50-60 साल दे दरमियान उम्र रह जाएगी, लोग अपने अल्लाह नूं प्यारे होने शुरू हो जाणगे। इस दुनिया धोखे दा समान है, जिथे दिल ला के बैठे मियां ये पक्कियां रहण वालियां जगह नहीं हो। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया करदे सन, मेरे वल ध्यान करिया जे, अब गल सुन वाली जे, जिस बंदे दी तवज्जो नहीं, मैं उहनूं अल्लाह दा वास्ता दे के कहांगा, इस गल दे तवज्जो करिया जे। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी फरमाया करदे सन, सुबह दा खा के शाम दा जोड़ के रखना भी तवक्कल दी शान दे खिलाफ है। सुबह दा खा के असी ते लंबियां उम्मीदां ला के बैठे आ, कल इंज ते परसों इंज ते चौथ इंज। अबू ज़र फरमाया करदे सन, सुबह दा खा के शाम दा जोड़ के रखना भी तवक्कल दी शान दे खिलाफ है। अकीदा इंज दा होना चाहिदा, जिहड़ा रब सवेरे दे सकदा है, ए रब शाम नूं भी दे सकदा है। दुनिया दी जिंदगी और दुनिया न बनदी,
बंदे दी ए बंदा ए जानी दुनिया दा एने बंदे दुनिया दुनिया पीछे ले लो कमा लो कठे कर लो पकड़ी जाओ ले आओ जिधरों हलाल नहीं हराम नहीं है। अगर तिरमिज़ी दी हदीसी आमीना दे लाल फरमा देने हैं बंदे कल कयामत वाले दिन अल्लाह ने पूछना है ऐ माल कमाया कितों सही ते माल खर्च किते कीता ही है। मियां सी माल कमान अंदर भी अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं असी माल खर्च करन अंदर भी अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। मैं अर्ज करना चाहना अगलियां सोचिए आते हर चीज इसे रह जानी है और यार जे हुसन वालियां नु बका हुंदी कदी नबी यूसुफ मर गया ते मौत दा पैगाम ना आंदा कदी रोब वाले बंदियां नु बका हुंदी कदी नबी मूसा मर गया ते मौत दा पैगाम ना आंदा कदे जनाब चौधरा ते सरदारियां ते बादशाहियां वाले बंदियां नु बका हुंदी है कदी नबी सुलेमान ते मौत दा पैगाम ना आंदा। जेड़ा भी आया आलमे अरवा चो जड़ा आलमे दुनिया ते आया है निया हमेशा रहन वास्ते नहीं आया जड़ा सूरज चढ़दा है बेली और डूबण वास्ते ही चढ़दा है एक वक्त आना है आलमे दुनिया खत्म हो जाना है। कुल्लो मन वलैहा फान तैयब का वजह रब का जल जलाल वल इकरा फना हो जाएगी ते दुनिया दा नक्शा है दुनिया ना बन दी बंदे दी ए बंदा है जानी दुनिया दा ए लोग बनाई फिर दे ने इते लोग बनाई फिर दे ने इते अड्डा है फानी दुनिया दा ते कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़ दे वेखे मैं कल वारस एक विरासत दे आपस विच लड़ दे वेखे मैं ते गल हथों बखी एक दूजे नो अते तौणो फड़ दे वेखे मैं एक आके पत्थर तरदी मेरी आ टोए टिब्बे तेरे ने दूजा के नहीं टोए टिब्बे तेरे ने आ पत्थर धरती मेरी आ धरती क्या है फकीर मियां तुसी दोई विच अंधेरे हो ना मैं ये दिया ना मैं ये दिया तुसी दो मई बंदे मेरे हो। किसी दुनिया आज तक ना किसी दी बनी है ना दुनिया किसी दी बनना है। लड़ी जाने आ लड़ी जाने आ जुलम दी कितने सुनिया करते सा कितने सुनिया आ दुनिया देखो मेरे वाल देखो आ दुनिया कितने सुनिया करते सा आ फलाने इलाके वाल इधरों हनेरी आई है लाल इंज लगता जिवें अज इस गुठ च कतल होया है हुण दिहाड़ी च खबरे किन्ने हुंदे ने हनेरियां आउण दा नां ही नहीं लैंदे हुण कदे असमान लाल होया ही नहीं किसे वक्त च खून लाल हुंदा सी ते पाणी सफेद हुंदा सी अजकल पाणी लाल ते खून सफेद हो चुके है केदी दुनिया ये किसे दी बनी है कोई इत्थे रहा आओ भी मेरा ओदे को फड़ लो ओदे को खोलो किथे ले जाना जे अज दे जलसे दा कुरान मेरे हाथे च जे इस तो बड़ी कोई गल नहीं जे मैं गल करके उठ के चला जावां कोई बंदा मेरे ते गिला नहीं करेगा मैं अपने आन दा हक अदा करके जा रहा एक मसला याद कर लो जिंदगी अपना हक कदी किसे नु दिया जे ना किसे दा खाया जे ना अल्लाह दी कसम अल्लाह तेरी दुनिया भी रोशन कर देगा अल्लाह तेरी हजर भी रोशन कर देगा साडा ते कोई ना ले जाए ते असी सारी दुनिया दा ही खा जाइए दुनिया दी जिंदगी आलमे दुनिया जिथे असी रह रहे हैं इत्थे दो तरह के लोग रह रहे हैं रह ते बड़ी तरह के रहे ने ना लेकिन मोटे मोटे दो तरह के लोग रह रहे हैं केड़े केड़े पहले नंबर ते दुनिया अंदर अमीर बंदे रह रहे ने
दौलत वाले, पैसिया वाले, बंगले ते कोठियां वाले, ते दूजे नंबर ते गरीब माड़े बंदे। यार जे एक बंदे नु दौलत दितियां ने ते ओ भी मेरे अल्लाह ने दितियां ने। गल सुनया जे जे किसे बंदे नु नहीं दितियां मंडियां दा बाद दे बासी ओ ते ओ भी मेरे अल्लाह ने नहीं। अच्छा गल सुनो यार, एक बार वेखिया जे एक बंदा दुकान दा मालिक है, ए भी अल्लाह दा बंदा है, एसी चलिया है, घूमण वाली कुर्सी ते बैठा है, शीशे लगे है, ये भी अल्लाह दा बंदा है, ते जड़ा बार सीढ़ियां ते बह के बजरी दियां रेड़ियां पर रहा है, वो भी अल्लाह दा बंदा है। ये दुनिया दे रंग ने, ये दुनिया दे रंग ने, उन्हें किसे नु दे के अजमाया ही, उन्हें किसे कोलो लै के अजमाया ही, किसे नु उन्हें इज्जत दे के अजमाया है, किसे कोलो नहीं इज्जत खो के अजमाया है। मर्जियां दा मालिक मेरा अल्लाह है, मुख्तार कुल मेरा अल्लाह है, फैसले मेरे अल्लाह के चल दे रे, किते दे देवे ते ओदी मर्जी, ना देवे ते ओदी मर्जी। लेकिन दुनिया मिया दुनिया, दुनिया दी अकीमत अगर रब दे नजदीक आमीना दलाल फरमांदे ने मच्छर दे पर दे बराबर भी हुंदी। मतलब की इस दुनिया दी कीमत अल्लाह दे नजदीक एक मच्छर दे पर दे बराबर भी नहीं जे। एक बकरा पलिया पिया निकालिया बकरी दा बच्चा, हदीस नबी दाऊद अंदरे मरिया पिया रूड़ी ते पिया बकरी दा बच्चा। आका फरमांदे ने है कोई बंदा जिहड़ा तुहाडे विचों इहनूं मुल खरीद लवे, बकरे दुनिया आदमे दुनिया। है कोई बंदा जिहड़ा बकरी दा बच्चा मुल खरीद लवे। सियाबा अर्ज करदे ने सोहणिया ये मरिया पिया है नजर अंदर दुनिया की भी कोई असीयत नहीं। दुनिया की जिंदगी आलमे दुनिया, दुनिया की जिंदगी धोखे का समान। अज मेरे कोल माल, कल तेरे कोल, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक सर पे ताज पहने एक दर बदर गदा है, एक सीप के जाए दो मोती, एक पीस गया खल में, एक ताज में जड़ा है, फूल की दो पत्तियां एक ही जगह से कटिया, एक नाजनी के गले में एक दबा बना है, एक शाख की दो टहनी एक ही जगह से काटी, एक आग के हवाले एक का असा बना है, एक थान से फाड़े दो कपड़े, एक नाजनी के सर पर एक का कफन बना है, एक थाक से निकले आंसू के दो कतरे, एक बाय से जहन्नम का अजर बता है। दुनिया दी जिंदगी आलमे अरवा फिर आलमे दुनिया। बाद मुकाये रवानी साहब तशरीफ ले आए, दुनिया असी इत्थे रह रहे हैं, एक वक्त आना है, एक टाइम आना है, दुनिया की जिंदगी मुक जाएगी, ऐसी आलमे दुनिया छोड़ देंगे। भाई शाह जसनवान की तरफ इशारा कर रहे सन, असी आलमे कबर वाले चले जावांगे, दुनिया तो बाद आलमे कबर, कबर वाला जहान। लेकिन एक गल याद रखिया जे, लिखिया सी ना एक जगह ते जुमला, कफन में कबर में शक है मगर मौत पर हक है। कफन भी नसीबा वाले नो ते कबर भी नसीबा वाले नो, सोने लाशा भी नहीं जे लभदियां। दुआ करया कर,
अज दे जलसे अंदर मैं पैगाम अर्ज करना चाहना, दुआ करया कर। अल्लाह परदेश दी ते हादसे दी मौत तो अल्लाह महफूज फरमाए, जाना ते है ही है। अल्लाह ईमान दी आला हालत अंदर घर बैठे ही बुलाना है। बड़े बड़े लोग लावान से करके वेख्या नहीं जे शहर अज कब्रस्तान, जवानो वेख्या नहीं जे शहर अज कब्रस्तान बने हुए ने, लावारस कब्रस्तान। इतने जेड़े नब्बे ने इन्हों का माली वारस ही कोई नहीं, बेवारस करके वारस शाह मान न करी वारसाना, वारशा मान करी वारसाना, रब बेवार से करके मार दाई। मियां कोई पता नहीं जिंदगी मुकनी ते है वे, किस मोड़ ते मुक जाए, किस हालत अंदर मुक जाए। दुआ करया कर अल्लाह ईमान दी हालत अंदर मुकाए, ते अपने वतन दी मौत अल्लाह दे। पता नहीं बार लोगी बंदे सांदर मरदे ने, मियां पता नहीं खुसल दी मुयसर आंदा या नहीं आंदा, पता नहीं कफन दिया तीन चादर भी मियां नसीब आंदिया ने या नहीं आंदिया। बेला आखर दुनिया ते छड़नी है ये ना, ते छड़ के अगले जहान अंदर जाना है, जिन्हों कबर क्या जाता है आलमे कबर आलमे बरजख। आमीना दे नाल अपने यार दे जनाजे ते गए ने, आखरी गल्ला सुन लो किते गल्ला कम देन गिया, यार दी मैयत न करके पासे पईए, अजे कबर तैयार नहीं जे होई, अजे कबर बन के तैयार नहीं होई। ते नबी पाक कह जी करके कबर दे किनारे ते बैठे ने, हदीस मुस्लिम दी आमीना दे नाल ने हाथ अंदर तीला पकड़े है, अज जमीन ते लकीरा मारी जा रहे ने, नाले अपने यारा नु दसी जा रहे ने। बेलियो इस जगह दी तैयारी कर लो, इस जगह दी तैयारी कर लो, कदी सोचे अजे एक मिनट वास्ते लाइटा बंद करो, पक्के बंद करिए, घर दे कमरे अंदर बैठे होइए, अचानक बत्ती चली जाए, कदे वामो खमान अंदर ख्याल ले आंदा जे के कोई ना, कदे सोचे अजे के कोई ना। यार बेली सज्जन चौबी घंटे नाल रहन वाले, बंड के बुरकियां खान वाले, हर दम दम नाल सा लैन वाले। अज वक्त आया, अज टाइम आया, सब छड़ गए ने। आमीना दे नाल फरमांदे ने, जदो बंदा मर जाए तीन चीजा हर बंदे दे नाल जांदियां ने, एक बंदे दे रिश्तेदार नाल जांदे ने, दूजा बंदे दा माल भी नाल जांदा है, तीजा बंदे दे नेक अमाल नाल जांदे ने। जदो जनाजा हो जाए ये तीन चीजा बंदे दे नाल रहिंदियां ने, कबर तक तीन चीजा नाल रहिंदियां ने। जदो बंदा कबर अंदर दफन करके उते मिट्टी पा के मियां नवाए वक्त नहीं जे सुना रहा, मैं कोई नावल ते डाइजेस्ट नहीं जे सुना रहा। सच्चे नबी दी है सच्चियां गल्लां दे है, आका फरमांदे ने जदो मैयत कबर अंदर रख के उते मिट्टी पा के कबर बंद कर दित्ती जांदी है, जदो मिट्टी पा के कबर बंद हो जाए उते पानी दे छिट्टे वज जान, हाथ चोके दुआ हो जाए। उदो रिश्तेदार यार सज्जन बेली जेड़े कहिंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां। एक मिनट जरा ख्याल ते कर, यार अब्बा जी नूं छड़ के आया है ना, वड्डे भरा नूं छड्या ही होएगा, दोनें ते दादा पोते छोड़े आई, यार दादी अम्मा ते छड़ के ही आया है, और नहीं तां अपने किसे यार बेली सज्जन नूं ते छोड़या ही होएगा। चल होर नहीं ते साडे ते अपने प्यारे दोस्त भाई साजन रहमतुल्लाह नैनू ते छड़या ही है ना, किधर गए अज मस्जिदां भी ओ, अज यार सज्जन बेली अज जलसे भी ओ, मगर ओ कोई नहीं जेड़े कहिंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां दी बाजियां हारियां नी, जेड़े रहिंदे सन उड़ीक विच दिने राती, अज उन्हां दी बारियां मारियां नी। जदो खुदा ने बाग विच वाल खोले, मियां पंछी उड़ गए मार उड़ारियां नी। मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, अल्लाह सच्चे दियां सच्चियां यारियां नी, ते जिन्ना रब दियां यारियां छड़ दित्तियां उन्हां जितियां वादियां हारियां नी। आमीना दे लाल
फरमाते ने पैसा माल दौलत भी वापस आ गया है, रिश्तेदार यार सज्जन बेली भी वापस आ गए ने, हुण या कब्र है या कल्ली जान है, तेरे कद दे मुताबिक तेरा कद 7 फुट है ते कब्र दी लंबाई भी 7 फुट होएगी, तेरा कद 6 फुट है कब्र दी लंबाई भी 6 फुट होएगी, तेरा कद 9 फुट है कब्र दी लंबाई भी 9 फुट होएगी, ना वद होनी है ना घट होएगी, अगलियां ने काना मेच के इंज तेरे मेचे दे बराबर तेनू जमीन दा टुकड़ा देना ही है, 2.5 फुट चौड़ी होएगी तेरी तेरी मैयत नु रख दिता जाएगा, इट्टां लगियां ने स्लैबां पईयां ने उते मूनी छापर पा के उते मिट्टी पा के उते पानी पा के ते कलियां छड़ के आ गए हां, आका फरमांदे ने यार इस कले दी तैयारी कर लो, नबी पाक दी हदी अल्लाह दा वास्ता जे आखरी मिनट मेरे वल तवज्जो करे आले, आका फरमांदे ने कब्र या ते जन्नत दिया ना बागा विचों बाग बन जांदी है, कईआं जहन्नम दियां गड़ियां विचों इक गड़ा बन जाएगी, दो ही गल्लां ने या ते जन्नत दे बिस्तरे विच जाणगे, जद दी लिबास मिल जाएगा, नेक बंदा मोमिन बंदा जदों अल्लाह पाक ने रब ते ओहदे रसूल दी ताबेदारी करन वाला जदों कब्र अंदर जांदा है, जांदियां नाल ही पहला सवाल नबी पाक ने फरमाया, बंदा जिस टाइम दी फौत होवे इहदे सामने वक्त असर दा आंदा है, असर दा जदों भी दफन कीता जाए वक्त असर दा ही आएगा, मोमिन बंदा नमाजी बंदा अज कब्र दे अंदर लेटे है ते मुनकर ते नकीर आ गए ने, ध्यान के आंदे ने उठ भई सवालो जवाब दियां गल्लां करिए, सानू कुछ सवालां दे जवाब दे दे, साडे नाल कोई सवालो जवाब दी नशीत कर लै, ते आंदा छड्ड दियो पिछे हो जाओ मैं तुहाडे नाल गल बाद अंदर करांगा, आओ वेखो सूरज डुबदा पिया है मेरी असर दी नमाज जाया ना हो जाए, मेरी असर दी नमाज फौत ना हो जाए, ए मोमिन बंदा अगो फरिश्ते कहणगे बेलिया इत्थे नमाजा पढ़न दा वक्त नहीं है, जिहड़ियां दुनिया अंदर पढ़ के आए उन्हां नमाजा दा बदला लैण दा टाइम आ गया, जिन्हें कदी पढ़ी नहीं जिन्हें कदे असर पढ़ी नहीं हदीस नहीं सुनी सोने नबी दी, आका फरमाते ने जिस बंदे दी असर दी नमाज रह गई जाया हो गई एवें ही है जिवें उस बंदे दी सारी दुनिया ही बर्बाद हो गई, करां दे कर बेनमाज कबर दियां गल्लां ते बड़ियां लंबियां, कर खा मार खा नजर कौन ही हुणे चलो एक बंदा मेरे नाल हुणे चलिए, खुदा दी कसमे हूद आलम है शहरे खमोशा कोई पता नहीं की हो रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फनेर को सन्नाटा जिन्हां बंदियां नाल कदे रौनकां होया कर दियां सन अज जो बंदे खुद कब्रस्तान दी रौनक बने, नेक बंदा है मोमिन बंदा है आ गई मैनु दस जरा आओ गल जड़ी आसमाना ते आलमे अरवाह अंदर करके आया सा ते उस गल ते पक्का रहे हैं, हुण दस मन रबो का तेरा रब कौन है, ते मुस्कुरा के आंदा रबी अल्लाह मेरा रब ते अल्लाह ही है ना, तेरा नबी कौन है मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी जी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा दीन की है जेड़ा रसूलुल्लाह नु मन्या नहीं जेड़ा दीने इस्लाम ते चलिया नहीं कब्र अंदर जवाब की देगा, सही मिल गए ने जवाब सजे पास जन्नत चो खिड़कियां खुल गई लवास जन्नत दे आ गए बिस्तरा जन्नत दा विश गया है, इंज थापी मार के सवान आला कहिंदा सौ जा जिवें पहली रात दी दुल्हन सौंदी है सौ जा, दुआ करया कर साडे नाल भी इंजी हो गए उची आमीन कह दियो, दूजे पासे अपनियां मन मर्जियां करन वाला अपनी मर्जी दी जिंदगी गुजारन वाला मिशकात दी हदीस ही आमीना दे लाल फरमांदे ने बेनमाजी बंदा रब दी कबर अंदर अपने ठिकाने अंदर जाएगा
इस बंदे नु जेड़ा एक बिच्छू डंग मारेगा 70 साल तक उदा जहर खत्म नहीं होएगा। ये कोई अखबारां दीयां गल्लां ते नहीं। अगर मोमिन मुसलमान है तो एक मिनट लंबा करके सोच, असी उत्थे ही जाना। आलमे अरवा फिर आलमे दुनिया फिर आलमे कबरे। मैं लंबिया गल्लां करां, जितनियां मर्जी हदीसां सुनाइए सुनाइयां, मैनू मैं तुहाडे वल वेख रहा। अल्लाह तुहाडा बहना मुबारक फरमाए, बड़ी तवज्जो और संजीदगी नाल बैठे हो, लेकिन ये गल्लां साढ़े वास्ते। जहान फानी है और लिखिया होंदा है, उस आख्या जी आखिरी आराम गाह कबरां ते लिखिया होंदा है। पर नहीं, ना दुनिया आखिरी आराम गाह है, ना कबर आखिरी आराम गाह है। आखिरी आराम गाह इंशाल्लाह जन्नत ही है। दुनिया च भी हमेशा नहीं रहना, कबर अंदर भी हमेशा नहीं रहना, वक्त आना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, कयामत के करीब जो वक्त कयामत आएगा, लोगों नू कबरां च उठाया जाएगा, तो उठन गए तो कहणगे सानू कच्ची नींदरे किन्ने उठा छड़े, सदियां हो गई ने सुतिया, सदियां बाबे आदम तो दुनिया आ रही है ते फौत हो रही है, कबरां बन रही ने, कबरां दे निशान मुक गए ने। अंज मेरे मालिक दा आर्डर ते हुक्म आएगा, सारे बंदे अपनियां कबरां चो उठ के नसणगे ते मैदान माशर वल मूह कर लैण। फिर एक मैदान लगेगा जिसनों मैदान माशर दा मैदान किया जाता है। वह मैदान भी हक है, कयामत दा दिन हक है, रब दी अदालत हक है, तराजू हक है। मालक दे सामने खड़िया होके अपनी पाई पाई दा हिसाब देना हक और सच है। जिस बंदे नू इना गल्लां ते यकीन नहीं, वो बंदा मोमिन ते मुसलमान ही नहीं। रब दी मुलाकात ते यकीन रखो, रब दी मुलाकात हक है। वक्त काफ़ी हो चुके हैं, इंशाल्लाह इन्हीं अल्फाज से करना। हजरात, दुनिया की जिंदगी कलील है, आज का प्रोग्राम फिक्र आखरत। बेनमाजी हो नमाजी बन जाओ, कुरान तो दूर हो तो कुरान के करीब आ जाओ, मस्जिद तो दूर हो अपने आप को मस्जिद वाला बनाओ। मेरी मजलिस अंदर मेरे नौजवान भाई बैठे ने, मैं अपने भाइयों को अल्लाह का वास्ता दे के कहांगा, एक मिनट वास्ते तवज्जो करो। तो कल्या बह के कभी सोचे आ जे, अज मर गए तो भलके दूजा दे, तो जो मेरे अज मर गए भलके दूजा दे, किधर जावे की बनेगा। वो अगले दिन एक दोस्त ने गल सुनाई, कारी साहब अगले दिन एक दोस्त ने गल सुनाई, अगले दिन एक दोस्त ने गल सुनाई, हाँ ये गल तो ठीक है ना, जालिका फजलुल्लाह युती मैया शाह, अल्लाह का फजल है मेरा मालिक जिदे ते कर दे, लेकिन दुनिया की अल्लाह के नज़दीक तो नहीं ना, दुनिया तो असल तो आखरत ही अल्लाह के नज़दीक, तो मालिक का फजल ही अल्लाह जिदे ते कर दे। उन्हें क्या बेली फौत हो गया, 200 दे जनाजे ते आए, कुछ 200 दे जनाजे तो रह गए। वो फिर जो बाद चो लोग कट्ठे होंदे ने ना एक दूसरे नूं मिलदे ने, ते उन्हें क्या भी तुसी लेट हो गए हो जनाजे तो, आहो यार असी आए सां ते जनाजा खड़ा हो गया सी, ते असी जल्दी जल्दी नस के ना, ते फिर दमदार रल गया जनाजे नाल। वो एक बंदे ने बिच पूछ लिया, उन्हें क्या वजू भी किया सी कि नहीं, हो सकया हो तो चेता नहीं रहा सी, ते जनाजे वल वेख के उवें ही खड़े होते। ये हालत है, लोग बगैर वजूआ तो साढ़े जनाजे पढ़न। अपने आप नू मस्जिद नाल जोड़िए, अपने आप नू अल्लाह दे दीन नाल जोड़िए, अपने आप नू रब दे कुरान नाल जोड़िए। आखरत दी जिंदगी हमेशा वाली जिंदगी है, उस जिंदगी दी फिक्र कीजिए। दुनिया आज न सही तो कल, कल न सही तो परसों, एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुआ करया करो, अल्लाह जिंदगी इस्लाम वाली, अल्लाह मौत ईमान वाली अता फरमाए, अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा दे, अल्लाह सब दा आना बैठना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। साढ़े फाजिल भाई हजरत मौलाना कारी मुहम्मद सलमान रब्बानी साहब हफीज़ाहुल्लाह ताला तशरीफ ले आए ने, गुफ्तगू फरमानगे। मेरा ख्याल है हजरत मौलाना कारी हरून यासर बगवी साहब तबीयत की अलालत दे पेश नज़र तशरीफ नहीं ले आ रहे, जिस तरह दोस्तों ने दसे है। तुसी सारे अल्लाह के घर बैठे हो, दुआ फरमा दो अल्लाह ताला कारी साहब न मुकम्मल सेहत अता फरमाए। उन्होंने गले की पहले भी कोई परेशानी बनी है, तो हुण दोबारा फिर बन गई, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाल
अपने उस बंदे नूं गले दे मामले अंदर सेहत और शिफा अता फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह कारी हारून यासर साहब नूं सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, सब उलमा दी अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिन्हां बाब ने प्रोग्राम करवाया भाई साहेब शाह साहब इन्हां दे जितने दोस्त सबाब अल्लाह सब नूं अपनी रहमत नाल अजर अजीम अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।